रामपाल राजवंशी पूर्व कारागार जेल मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामपाल राजवंशी के पुत्रवधू संगीता राजवंशी को 32 मिश्रिक लोकसभा के सांसद पद का प्रत्याशी बनाया है। रामपाल राजवंशी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार झूठ बोलती है, सिर्फ जुमलेबाजी करती है, आज तक कोई ठोस काम नहीं किया, जो वादे किए उनको आज तक पूरा नहीं किया। जितनी भी भर्तियां भाजपा सरकार में निकली हैं, तो कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं भर्ती रद्द हो जाती है। बेरोजगार किसान नौजवान परेशान है। पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आपकी पुत्रवधू को समाजवादी से लोकसभा का मिश्रिक का टिकट क्लियर हो गया है। आप जिम्मेदारी के साथ निर्वाहन करते हुए दौरा भी शुरू कर दिया है, किन मुद्दों को लेकर आप दौरा कर रहे हैं, क्या है प्राथमिकता? मान सम्मान और सम्मान के साथ यहाँ की गरीब जनता जो पीड़ित है, परेशान है, दुखी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। हर बार देखिए नवयुवकों का परिचय लीक हो रहा है और कितने करोड़ रुपया किस चीज़ के चंदा लिया गया है उजागर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी करती नहीं है। क्या किसानों की आय दूनी हो गई? क्या 16 लाख रुपया खाते में चला गया? क्या जो कहा है वो क्या किया है? लोगों को नौकरी देने को वादा किया था, सब पर्चे लीक हो रहे बार बार है? ये क्या है? संविधान को खत्म करना चाहते हैं? लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा? मौलिक अधिकार लोगों को मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी है। जो मानी अखिलेश यादव ने कार्य किया था, उन वो किए हुए समाजवादी के कार्यों को अपना कार्य बनाकर, जैसे 100 नंबर है 112 कर दिया, 108 को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, 102 को ट्रांसफर कर दिया है? और जितनी रोडें हमारी बनाई हुई थी, नैसमिस में 84 कोस का पैकरवा होता है, आप सब जानते हैं, और हर पड़ाव के ऊपर रैन बसेरा बनवाने का काम किसने किया? माननीय अखिलेश यादव ने। 24 घंटे बिजली नैमिस में देने का काम किसने किया? माननीय अखिलेश यादव ने। डिग्री कॉलेज बच्चियों वाला का किसने काम किया? माननीय अखिलेश यादव ने। आधुनिक बस अड्डा बनवाने का काम किसने किया? माननीय अखिलेश यादव ने। हमने बस चलवाने का कयास लगाकर लखनऊ तक, कानपुर तक, दिल्ली तक, आगरा तक बस चलवाने का काम हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से। 24 घंटे बिजली देने का काम किसने किया? गोमती नदी में जितने घाट बने का किसने बनवाया? इस काम मैंने किया है, माननीय अखिलेश यादव ने किया है, मेरी सरकार में हुआ है। ये तो कहते हैं और करते नहीं है, हम कहते हैं और करते हैं। भाजपा पार्टी की तरफ से मौजूद सांसद अशोक रावत थे, फिर दोबारा उनको एक उम्मीद, पार्टी ने उनकी उम्मीद जगाई है, दोबारा प्रत्याशी उनको घोषित किया गया है, आपके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगा, क्या कहेंगे इस पर? ये मुसीबत मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं, ये चुनाव जनता लड़ेगी और जनता के साथ जो दर्द है वो दर्द स्वयं इजहार कर देगी। लगभग क्या आंकड़ा होगा जीत का? अब आंकड़ा 80 में 80 सीटें समाजवादी जीतेगी उत्तर प्रदेश से। आप मिश्रिक लोकसभा से किए हैं, कितने मतों से जीत की उम्मीद कर रहे हैं? मिश्रिक लोकसभा में कम से कम 1 लाख से ऊपर हमारी विजय होगी। मिश्रिक लोकसभा सीट से अजीत वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।